व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले हैं GTA 5। तो यहाँ पे मैंने माइकल उठाया, यहाँ पे मैं किसी पार्क में गाइस हूँ, यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और मेरे साथ ट्रेवर भी है, मतलब पिछली बेंच में गाइस वो लेटा हुआ है ट्रेवर। तो आज हमें गाइस जाना है अपना जिमी के साथ, उसको हमने CD70 बाइक लेके देनी है एक शोरूम से। तो अभी हमने सबसे पहले तो घर जाना होगा, उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे शोरूम के अंदर। तो सबसे पहले तो गाइस मैं ट्रेवर को उठा लेता हूँ, वहाँ से सो गया है कब से। तो ट्रेवर को उठाते हैं, फिर अपनी मेरी गाइस सामने जैसा कि आप देख सकते हैं टोयोटा की वीगो भी है। तो मैं अपनी इस व्हीकल में जाऊँगा वहाँ पे। हम फर्स्ट तो घर की तरफ जाते हैं, जिमी को उठाऊँगा और फिर हम उस शोरूम की तरफ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आया था पिकनिक करने ट्रेवर के साथ, तो जिमी की एकदम कॉल आ गई गाइस। उसने बोला कि मुझे मतलब बाइक चाहिए वहाँ पे। उसने अपना सारा दिन इंटरनेट पे बैठा होता है, तो उसने अपने नेट में सर्च करके बाइक ढूंढी है। तो ये ट्रेवर है गाइस, यहाँ पे सो रहा है ट्रेवर। तो उसकी कॉल आई थी जिमी की, उसने कोई न्यू बाइक देखी है गाइस, अब इसको लेके देनी होगी। तो ट्रेवर अभी उठ जाओ यार, हमें जाना है जिमी के पास, उसको बाइक लेके देनी है और फिर उसके बाद हम शोरूम जाएंगे, उनसे फिर परचेज करना है। तो वैसे पैसे अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन हम ATM बैंक से गाइस निकालेंगे पैसे। तो फर्स्ट मैं ट्रेवर को उठा लेता हूँ, फिर हम जाते हैं वहाँ पे। तो गाइस फाइनली ट्रेवर उठ गया है, अभी ट्रेवर को लेके मैं जाता हूँ। आ जाओ ट्रेवर। तो पता नहीं क्यों इतना स्लो आ रहा है गाइस, लगता है अभी भी इसकी नींद पूरी नहीं हुई। तो अभी जाते हैं वहाँ पे जिमी के पास और उसको बोलते हैं, उसे पूछते हैं कौन सी वो बाइक है। वैसे नाम तो मुझे पता है कि गाइस CD70 लेनी है। तो ये हमेशा पीछे की तरफ ही बैठता है ट्रेवर, पता नहीं क्यों गाइस। तो अभी जाते हैं वहाँ पे, बिल्कुल सामने ही मेरा अपना घर है। तो यहाँ पे जिमी कैसे बात करते हैं, फिर हम जाते हैं उस शोरूम जहाँ पे हमें CD70 लेनी है गाइस। तो फाइनली यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं अपने घर की तरफ। तो यहाँ पे मैं पार्क कर लेता हूँ और अभी जिमी से बात करते हैं, जिमी से पूछ लेते हैं कि कहाँ पे जाना है, कौन सा वो शोरूम है, किस एरिया में है और वो बाइक कितने की, क्या प्राइस है। मतलब हमारे पास पैसे भी इतने होने चाहिए ना, तभी हम बैंक ATM से गाइस में अपने पैसे निकालूंगा। तो अभी जिमी को मुझे लगता है अपने ऊपर रूम में ही होगा, वीडियो गेम्स खेल रहा होगा अभी। तो आ जाओ ट्रेवर, जिमी से बात करते हैं। तो गाइस जिमी यहाँ पे नहीं है, पता नहीं कहाँ पे गया हुआ है। मुझे लगा यहाँ पे वीडियो गेम्स खेल रहा होगा, लेकिन अपने रूम में जिमी नहीं है। यहाँ पे वॉशरूम में भी देख लेता हूँ, हो सकता है यहाँ पे हो। नहीं गाइस, बाहर की तरफ ही कहीं होगा। तो मैं अभी उसको ढूंढ लेता हूँ। और ट्रेवर आ जाओ, जिमी यहाँ पे अपने रूम में नहीं है, हमें नीचे कहीं उसको मतलब ढूंढना होगा। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ जिमी को ढूंढने और फिर उसे बात करते हैं कौन सी वो बाइक है। तो यहाँ पे कहीं होगा जिमी, तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ही होना चाहिए जिमी वैसे, क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ पे वो स्विमिंग पूल है गाइस। तो यहाँ पे भी जिमी होगा। तो ये मुझे फाइनली जिमी मिल चुका है, यहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और तो यहाँ पे लमार भी है और लेस्टर भी आया हुआ है। तो जिमी ये क्या यार, तुम मुझे अपनी मेरी पिकनिक ख़राब करके खुद यहाँ पे पिकनिक कर रहे हो मज़े से। तो अभी जाना है कि नहीं वहाँ पे शोरूम पे, मतलब बाइक लेने? अगर जाना है तो अपने फ्रेंड्स को गुड बाय बोल लो और अपना मतलब क्लोथ्स चेंज करके आ जाओ बाहर। मैं और ड्राइवर बाहर ही खड़े हैं, तो आ जाओ अभी रेडी होके अगर जाना है तो। तो गाइस यहाँ पे इसने मेरी पिकनिक ख़राब करके खुद यहाँ पे पिकनिक कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये पता नहीं कौन सा एक तीसरा बंदा भी इसके साथ है, ये इसका कोई न्यू फ्रेंड होगा। तो ट्रेवर भी आ रहा है, तो अभी यहाँ पे जब तक वेट कर लेते हैं जिमी रेडी क्लोथ्स व्लोथ्स चेंज करके आ जाए, तो हम यहाँ से फिर निकलेंगे। वैसे इस व्हीकल में भी जा सकते हैं, लेकिन ये 2-door व्हीकल है, तो इस वजह से जिमी नहीं आएगा। तो हम 3 जने हैं, तो मुझे फिर से वीगो ही उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब तक मैं इसका ऑयल वॉयल चेक कर लेता हूँ, हर चीज़ चेक कर लेता हूँ, ये डोर पता नहीं किसने खोला। तो यहाँ पे अपना ऑयल चेक कर लेता हूँ, इस व्हीकल में पानी चेक कर लेते हैं, पानी है कि नहीं है पूरा। मतलब हर चीज़ जानने से पहले चेक करते हैं, जब तक जिमी भी आ जाएगा। तो फिर जिमी आ जाए तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे गाइस। तो गाइस अभी मैंने फाइनली अपनी व्हीकल में हर चीज़ चेक कर ली है, अपना ऑयल पेट्रोल जितनी भी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। अब व्हीकल मेरी बिल्कुल रेडी है यहाँ पे, और जिमी भी रेडी होके आ गया है गाइस, अपने क्लोथ्स चेंज करके आ गया है। और यहाँ पे मैंने ट्रेवर के भी क्लोथ्स चेंज करवा लिए, क्योंकि अभी हम जाएंगे वहाँ शोरूम में, तो यार वो अच्छा नहीं लगता ना, मतलब बिल्कुल से अजीब से इसके क्लोथ्स पहने हुए थे। तो अभी फिर भी अच्छा लग रहा है गाइस, तो अभी हम जाते हैं वहाँ पर। और वैसे मैंने लोकेशन जिमी से पूछ के वहाँ पर हमने GPS में गाइस मैंने मार्क कर लिया है। तो अभी चलते हैं वहाँ पर बिना देर किए, तो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर देख लेंगे कि वो किस टाइप की बाइक है और क्या उसकी प्राइस है। और मतलब वहाँ पे जो मैनेजर होगा ना उस शोरूम से, उनसे हम बात भी कर लेंगे, उससे हम मतलब डील कर लेंगे। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, अभी इतना दूर नहीं है, करीब है, हम पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पे। और वैसे मैंने अपना ब्रीफकेस, जो मतलब कैश का ब्रीफकेस है, मैंने व्हीकल में पहले ही रख लिया, जैसे मैंने मतलब ऑयल चेक कर रहा था और पेट्रोल गैस जो, तभी मैंने मतलब अपना पहले से इसका ब्रीफकेस गाइस अपनी व्हीकल में रख लिया है, जो कि कैश का मतलब कैश से हम लेंगे। वैसे हम ऑनलाइन भी ले सकते थे,
लेकिन हम अभी कैश के साथ परचेस करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो शोरूम है, फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे कहीं लगा लेता हूँ, इस साइड पे लगा लेते हैं, ब्रीफ केस निकालते हैं गाइस, और फिर हम वहाँ पे जाते हैं उस शोरूम में। तो आ जाओ जिमी और ट्रेवर, अभी चलते हैं वहाँ पे। तो अभी मैं फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ उनके शोरूम में। तो ये उनका शोरूम है जहाँ पे वो बाइक्स होंगी। तो आ जाओ जिमी और ट्रेवर, अपनी मतलब बाइक देख लो। और तो ये वो बाइक्स हैं गाइस जहाँ जो मतलब जिमी को पसंद आई है। तो यार ये इसको बोलते हैं वो 125, और CD70 भी इसको बोलते हैं। ये तो बहुत छोटी नहीं है वैसे। तो अबे यार ये किस टाइप की बाइक है? तो मुझे लगता है जिमी को ये पसंद आ गई, तो जिमी ये लेगा। वैसे जिमी के लिए ये सही है। तो अभी उस मैनेजर से बात कर लेते हैं जो अंदर होगा गाइस, उससे हम बात कर लेते हैं, उसे पूछ लेते हैं कि ये बाइक वैसे तो सस्ती होनी चाहिए, इतनी छोटी सी 125 है तो ये तो इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए वैसे। तो अभी देख लेते हैं इसकी क्या प्राइस है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर मैनेजर के रूम में, मतलब इसकी ऑफिस में रूम तो नहीं है। तो ये वो मैनेजर है जिससे हमें बात करनी है। तो मैं यार से मतलब ये अभी बिजी लग रहा है मुझे अपने कंप्यूटर में, तो मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, और हमें कैश मतलब कितने वो बाइक कितने की हर चीज़ पूछ लेता हूँ, कौन सा मॉडल है, क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पे मतलब इसे बात कर लेता हूँ, फिर हम मतलब पूरा मैं से डिसाइड कर लेता हूँ मैनेजर से, फिर हम वो बाइक लेके मतलब यहाँ से निकलेंगे। तो अभी इसे बात कर लेते हैं। फाइनली मैनेजर से बात कर ली, मतलब इस शोरूम का जो मैनेजर है, इसने मुझे प्राइस हर चीज़ उस बाइक के बारे में पूरी हर चीज़ डिटेल से बताई है कि किस मॉडल की है। तो ये जो बाइक है 2017 का मॉडल है, और ये 125 CC है, और ये मतलब अच्छी बाइक है, मतलब जिमी के लिए तो मुझे लगता है बेस्ट बाइक होगी। तो यहाँ पे भी मैंने मैनेजर से बात कर ली है। तो अभी बस वो बाइक हमने, इसने मुझे चाबी भी दे दी है गाइस, इसको मैंने कैश दे दिया है। और ये बाइक तो मतलब 50 लाख की ये बाइक है, मतलब लग इतनी महंगी वैसे लग नहीं रही, लेकिन ये बहुत महंगी बाइक थी। जब मतलब शुरू में मैं भी हैरान हो गया था जब इसने मैनेजर ने मुझे प्राइस बताया ना, लेकिन अब मुझे मतलब हो गया कि जब मुझे उसने अपना उसके डिटेल्स बताई, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मुझे वाकई 50 डॉलर और 50 डॉलर बोला 50 लाख की होगी। तो मैंने अभी से बात कर ली, तो अभी जाते हैं उस बाइक लेने गाइस। थैंक यू सो मच मैनेजर, अभी हम जा रहे हैं। तो गाइस मैंने इसको ब्रीफ केस दे दिया। तो आ जाओ जिमी। तो जिमी मैंने फाइनली तुम्हारे लिए वो बाइक परचेस कर ली है। तो यार बहुत महंगी थी, 50 लाख की बाइक थी, लेकिन उसके जो डिटेल्स थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो आ जाओ अपनी अभी बाइक तुम ले लो। तो वैसे मुझे तो रेड कलर की, मतलब जिमी ने मुझे बोला कि मुझे रेड कलर की पसंद है, क्योंकि 125 रेड में ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे लगते हैं इनकी दूसरी व्हीकल्स भी आ चुके हैं। तो गाइस अभी हमने ये फाइनली परचेस कर ली है, रेड कलर की 125। तो अभी हम, मैं और ट्रेवर यहाँ पे ही खड़े हैं, जिमी जाएगा इसका टेस्ट ड्राइव करने। तो मैं यहाँ पे ही वेट कर लेता हूँ, और जिमी अभी जाएगा टेस्ट ड्राइव करने, फिर हम दोनों बाद में गाइस आ जाएंगे। तो अभी फाइनली मेरी बाइक रेडी है, उन्होंने शोरूम मैनेजर ने मेरी बाइक बिल्कुल रेडी करके हमें दे दी है। इसमें मतलब ऑयल वॉयल नहीं था, तो उसने मतलब मैनेजर ने इसमें इसकी सफाई करके ट्यूनिंग करके अभी हमें दे दी है। और वैसे गाइस एक इशू हो गया कि जिमी अभी बोला कि मैं नहीं चलाऊंगा, फर्स्ट ट्राई है तो आप खुद चलाओ। तो मैंने अभी ट्रेवर को गाइस अपने वीगो में जो मेरी बाहर खड़ी थी, तो मैंने ट्रेवर को वापस अपने घर की तरफ भेज दिया है। तो अभी मैं ही मतलब मुझे ही चलानी पड़ेगी ये बाइक। तो देख लेते हैं ये बाइक कैसी है। तो अभी हम रेडी हैं, शोरूम से निकालते हैं अपनी बिल्कुल 0 मीटर न्यू बाइक 125, जो कि मतलब छोटी है लेकिन जिमी के लिए अच्छी है। तो अभी अब जाते हैं अपने घर की तरफ, और ट्रेवर भी मुझे लगता है अपने घर चला गया होगा। तो जिमी तुम्हें बाइक वैसे कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो जब तुम खुद मतलब ट्राई करोगे तो तुम्हें पसंद आ जाएगी। अभी तो मैं, क्योंकि अभी सेफ्टी के लिए भी गाइस मैं खुद जा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ट्राई है, तो जिमी थोड़ा मतलब डर रहा है कि अभी हम गिर ना जाएं, तो इसलिए मैं खुद अभी जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। और जिमी बाद में गाइस मतलब आज शाम को या फिर कल जिमी खुद ट्राई करने वाला है, तो वो बाद में जिमी कर लेगा मतलब इसका टेस्ट ड्राइव। तो अभी तो हम जाते हैं अपने घर की तरफ गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, मैंने मार्क कर लिया है घर का जहाँ पे लोकेशन। तो यहाँ पे मैं व्हीली मार के देखता हूँ बाइक। तो यार बाइक की स्पीड भी बहुत अच्छी, मतलब 50 लाख में हमें अच्छी बाइक मिल गई। वैसे है तो मतलब जिमी के लिए, लेकिन अच्छी बाइक है, कभी मैं भी यूज़ करूँगा इसका, जब हमें किसी मिशन में जाना होगा तो गाइस मैं इसको बाइक को ज़रूर लेके जाऊँगा। तो अभी तो हम अपने गैराज में खड़ी कर देते हैं इस बाइक को। तो फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने घर की तरफ। तो यहाँ पर अभी इसको पार्क कर लेते हैं गाइस, अपने गैराज को ओपन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं जगह होगी। तो यस गाइस मेरी दो मतलब 2 बाइक्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे इस बाइक को भी हम खड़ा कर देते हैं। तो गाइस अभी हमने फाइनली जिमी के लिए बाइक परचेस कर ली है 125, जिसको हम CD70 भी बोलते हैं, मतलब इसका स्मॉल वर्जन है लेकिन अच्छी बाइक है। तो जिमी अभी बिल्कुल हैप्पी है, मतलब इंतज़ार नहीं कर सकता इसको ट्राई करने के लिए, तो ये बाद में ट्राई कर लेगा। तो ये मैं बाइक अपने किसी मिशन में भी लेके जाऊंगा गाइस। तो ये था आज का गेम प्ले, आई होप कि आप गाइस को अच्छा लगा हो। तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।
बाय गाइस। बाय गाइस।